हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्ट विद एनसीआर। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा और साथ ही लगे बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूंगी इसका नोटिफिकेशन आपको मिल पाएगा और आप मेरी वीडियो देख पाएंगे। आज की वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट ही नहीं, यूजफुल भी होने वाली है, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। एग्जाम से रिलेटेड डाउट्स सारे मैं क्लियर कर दूंगी और साथ ही साथ मोदी जी ने जो कल रात 8 बजे अनाउंस किया है उसके बारे में भी आपको थोड़ा बहुत बताऊंगी, ठीक है। तो बने रहिएगा एंड तक। और सबसे पहले आज से नवरात्रि स्टार्ट हो गए हैं तो मेरी तरफ से सभी स्टूडेंट्स को हैप्पी नवरात्रि। माता आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें, ठीक है। तो फ्रेंड्स, जो ये COVID-19 जो वायरस चल रहा है, आप सभी सुन चुके हो कोरोना वायरस के नाम से जो चल रहा है, जिसका प्रभाव बहुत ही हानिकारक है, उसको देखते हुए प्रधानमंत्री जी ने एक अनाउंस किया था 8 बजे की, जिसमें उन्होंने बताया था जो ये कोरोना वायरस है इसका जो इन्फेक्शन है वो पूरे भारतवर्ष में 500 से ज़्यादा आंकड़ा पार कर चुका है, जिसमें 9 लोगों की डेथ हो चुकी है, ठीक है। और उन्होंने बताया भारतवासियों को अगर अभी कोई स्टेप्स नहीं लिया गया तो को आगे भारत को गंभीर संकट का सामना करना पड़ सकता है, ठीक है। तो एक महामारी बन सकती है ये, ठीक है, जिसमें लाशों के ढेर लग जाएंगे। तो बहुत ज़रूरी हो गया है स्ट्रिक्ट स्टेप उठाना, ठीक है। तो उन्होंने ये भी बताया है कि अगर 21 दिन आने वाले हम कंट्रोल कर पाए इस वायरस पर तो अच्छा है, अगर नहीं कर पाए तो हम 21 साल पीछे चले जाएंगे, ठीक है। तो अगर आप सोच रहे हैं अप्रैल में आपका एग्जाम होगा, कई स्टूडेंट्स कह रहे थे मैम अप्रैल से होगा, तो ऐसा कुछ नहीं, अभी एग्जाम के लिए आप सारी चीज़ें भूल जाइए, अभी कोई एग्जाम नहीं होने वाला है, ठीक है। अभी पहले जान बचाने की सबको चिंता हो रही है, पहले तो जान बच जाए तो एग्जाम तो होते रहेंगे। तो चाहे CBSE हो, चाहे NIE हो, चाहे जो कोई भी एग्जाम हो, तो वो कोई एग्जाम अब नहीं होगा, ठीक है। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने जो लॉकडाउन अभी तक किया था वो नॉर्मल था, लेकिन फिर भी लोगों ने नहीं माना, अपने घरों में नहीं रहे, तो इसको देखते हुए उन्होंने कंप्लीट लॉकडाउन अब अनाउंस कर दिया है। इसका मतलब ये है कि अगर अब आप बाहर गए घर से तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है, ठीक है। और इसमें आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, ये सब हमारे ही भले के लिए है, हमें तो बल्कि उन्हें सपोर्ट करना चाहिए फ्रेंड्स, ठीक है। तो मैं भी आपसे यही अपील करूंगी, आप घर पे रहिए, सेफ रहिए, हैंड वॉश करते रहिए, सुरक्षित रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस फैलाइए, ठीक है। तो जनता कर्फ्यू वाले दिन जो हमने एकता दिखाई थी, वो एकता दिखाने का टाइम आ गया है। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, आप भी घर पे रहना और सभी को ये जितने भी वायरस से इससे रिलेटेड जो भी आपके पास वीडियो आती है उसको ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या करना, उसको वायरल करना, ठीक है, ताकि सब तक ये इन्फॉर्मेशन जाए, सभी अवेयर हो जाएं, ठीक है, ताकि हम इस कोरोना नामक के वायरस पर विजय पाने में अपने अपना योगदान दे पाएं, ठीक है। और रही बात कुछ फ्रेंड्स कुछ स्टूडेंट्स मुझसे पूछ रहे हैं मैम हमारा एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा, तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि सारी साइटें ब्लॉक हो चुकी हैं, जब कोई एग्जाम ही नहीं हो रहा तो एडमिट कार्ड डाउनलोड होने का सवाल ही नहीं बनता। तो आप इस चीज़ को अपने दिमाग से निकाल दीजिए, अभी अपना फोकस कीजिए कि कैसे कोरोना वायरस पर हमें कंट्रोल करना है, कैसे अपने आप को बचाना है, ठीक है, क्योंकि जान बची रहेगी तो एग्जाम तो होते रहेंगे, ठीक है। और फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात और बता दूं, जो ये 21 दिन मिले हैं इनको हमें यूज़ करना है अच्छे से। तो सारे स्टूडेंट्स से मेरी यही रिक्वेस्ट है, घर पे रहना तो अपनी तैयारी में ज़्यादा ध्यान देना, ठीक है। जिन्होंने प्रैक्टिकल फाइल नहीं बनाई वो बना लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि अब जब भी होंगे तो नए सिरे से सब कुछ होगा, तो आपको उस टाइम के लिए टाइम मिल गया है, तो पढ़ाई पर ध्यान देना ताकि आप अपने एग्जाम में बेस्ट से बेस्ट दे पाएँ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड कर चुकी हूँ, उन्हें देख लेना, उन्हें प्रिपेयर कर लेना, और कुछ सब्जेक्ट्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो जल्दी मैं आपके लिए वीडियो अपलोड कर दूंगी। आपको क्या करना है, आपको अपनी तैयारी करनी है, एक तरह से आपको अपनी तैयारी के लिए 21 दिन और मिल गए, आप ये सोचिएगा, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस फैलाइएगा, वायरल कीजिएगा वीडियोस को, ठीक है ना, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे तो वायरल होती जाएंगी, ठीक है, अपना सहयोग देते रहिएगा। और अगर कोई डाउट्स हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और ये भी बताइएगा आपको आज की वीडियो कैसी लगी, ठीक है। तो तब तक के लिए फ्रेंड्स, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के साथ, या फिर हो सकता है मैं कोई इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपके लिए अपलोड कर दूं, तो चैनल के साथ बने रहिए और अपना प्यार और सपोर्ट देते रहिएगा। धन्यवाद।